राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सांकेतिक उपवास किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गांधी पार्क में सांकेतिक उपवास पर बैठे, उनके साथ में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी उनका साथ दिया और वो भी धरने पर बैठे। और इस खबर पर ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवनीश, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं और अभी उन्होंने सांकेतिक उपवास किया है, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो इश्यू है जिनको लेकर वो सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं? जी मनीष, देखिए लगातार यहाँ पर जिस तरीके से अगर सरकार की बात करें तो जो जितने भी अवैध निर्माण बने हैं, खास करके पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों पर जिस तरीके से होटल व्यवसायियों ने अपने सड़क पर जो है होटल बना लिया, अभी पिछले दिनों जो है यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से मानसून की बारिश आई थी और होटल के साथ साथ कई जो इमारतें धराशायी हो गई हैं, उनको लेकर यहाँ पे सरकार जो है इस बार कार्रवाई कर रही है। जो कितने भी अवैध निर्माण बने हुए हैं, सड़क घेरी हुई है और चपलेन ने भी यही हाल जो है अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई यहाँ पे कर रही है, उसको लेके अब हरीश रावत जो है यहाँ एक के जो है सावंत के उपवास पर बैठ गए थे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित कई तमाम नेता बैठे हुए थे। उनका कहना है कि जो सरकार है वो अवैध निर्माण के जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो लोगों को परेशान कर रही है, उनके जो है आशियाने उजाड़ रही है, उनका व्यवसाय उजाड़ रही है और पहले ही यहाँ पे जो है आम जो जनमानस था वो पहले ही परेशान है और जो पहाड़ के युवा है वो अपने रोजगार की तलाश में पलायन करने पर मजबूर थे और यही कारण रहा कि अतिक्रमण के नाम पे जिस तरीके से उनको उजाड़ा जा रहा है तो पहाड़ के युवाओं के साथ ये छल किया जा रहा है। इसको लेकर बाकायदा जो है अभी पिछले दिन जो विधानसभा सत्र चला उसमें भी जो है ये मुद्दा उठाया गया था। हालांकि सरकार ने कहा है कि जो भी जो अवैध निर्माण है उसको नहीं बख्शा जाएगा और जो दूसरे लोग हैं उनको नाजायज कभी तक नहीं किया जाएगा। जी लेकिन सरकार ने कहा कि जिन जिनके उजाड़े जा रहे हैं या जिन लोगों के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। देखिए यहाँ पे मनीष, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस तरीके से जो व्यवसायी है उन्होंने क्या किया था कि जो सड़क के किनारे जो थे, जिसको सड़क को घेर लिया था, सड़क पे आवागमन अवरुद्ध होता है, जिससे सड़क चौड़ीकरण की यहाँ पे बात चल रही थी, चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पर जो है अवैध निर्माण जो सामने आ रहे थे, सड़क के आड़े आ रहे थे, उनको सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा था। जो बाकी जो लोग हैं उनके, बल्कि अभी जो है उनका जो सरकार ने कल ही परसों जो है यहाँ पे सीएम साहब ने खुद कहा है कि जो आवासीय या व्यावसायिक निर्माण है और जो जद में आ रहे हैं सरकार की भूमि की, उन्हीं को केवल जो है छेड़ा जाएगा, बाकी लोगों को यहाँ पे नहीं तंग किया जाएगा। तो उसको इसको लेके यहाँ पे राजनीति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अवनीश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब सांकेतिक के धरने पर उतर आए हैं, सरकार को लेकर कई मुद्दों को उन्होंने घेरा है और एक मुद्दा ये भी है कि सरकार अवैध निर्माण के नाम पर जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है वो कहाँ जाएंगे, रोजगार की तलाश कहाँ करेंगे, ये भी एक मुद्दा है।